Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, TISTNET 2023 exam is finally over, and in this video, I'm going to discuss about the first cut analysis of TISTNET exam. So guys, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज अब काफी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है? चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस, हम लोग सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज काफी लोग टेस्ट के बाद आएंगे, सीमैट देंगे. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. चलो गाइस, तो बात करते हैं एग्जाम की. तो गाइस, ओवरऑल टेस्ट का एग्जाम जो था वो थोड़ा डिसेंट लेवल का था, एंड काफी लोगों ने स्नैप दिया, एसआरसीसी दिया. तो उसके बाद काफी लोगों को टेस्ट का लेवल ठीक लगा, बिकॉज एसआरसीसी एंड स्नैप में काफी अच्छा लेवल आया था, ठीक है? ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट का एग्जाम कैसा था सेक्शन बाई सेक्शन. तो अगर हम लोग बात करें क्वांट्स एंड एलआर सेक्शन की, तो गैस क्वांट्स एंड एलआर सेक्शन को बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है? डिफिकल्ट इन द सेंस था इसलिए क्योंकि डीआई के क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे, अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन डीआई के थे. बात ज्यादा क्वेश्चन नहीं, डीआई के क्वेश्चन टफ भी थे, और टेस्ट का ऐसा लेवल नहीं होता है जल्दी, इसलिए लोगों को टफ लगा. बाकी जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थे क्वांट्स के, वो डुएबल थे. उसमें भी मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं. काफी लोगों ने जिन्होंने वैरायटी करी है सारी, उनको ईजी लगा है. काफी लोग जिन्होंने वैरायटी नहीं करी, उनको काफी टफ लगा है. बट ओवरऑल बोलेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि आपको सारी वैरायटी करनी पड़ेगी. आप अर्थमेटिक पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, डिफिकल्टी तो बढ़ेगी बढ़ेगी. बट काफी लोगों ने जब एसआरसीसी और स्नैप से कंपेयर किया तो उनको काफी रिलीफ मिला, एंड जिसने को सारी वैरायटी करी है उसको करके आया काफी क्वेश्चन. बात करें अगर वीआरसी की, तो वीआरसी लोगों को ठीक लगा. वीआरसी में पैसेजेस वगैरह थे, इसको आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट तो नहीं बोला किसी ने. पैराजंबल्स थे, पैसेजेस थे, ठीक है? उसका लेवल डिसेंट था. तो मैंने काफी स्टूडेंट से पूछा, अपने क्लास स्टूडेंट से, तो काफी लोग के रिव्यूज थे कि अगर किसी ने ढंग से करा है तो 60 मार्क्स का जो आपका ये सेक्शन होते हैं दोनों मिला, 60 में से 50+ कोई भी ला सकता है आराम से. इवन कुछ स्टूडेंट 55+ ही बोल रहे हैं, बट वो कुछ ज्यादा हो जाएगा. बट मुझे भी लगता है बातों से कि 50+ मार्क्स आ सकता है 60 में से, एक्सक्लूडिंग जीके, ठीक है? बात करें जीके की, तो जीके में स्टैटिक जीके ज्यादा आई हुई थी, थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन थे. तो लास्ट ईयर जीके काफी टफ थी, अलग ही लेवल की थी. उसके कंपैरिजन में जीके थोड़ी कम थी, पर अगेन टफ थी. जीके इजी नहीं थी, कुछ क्वेश्चन इजी थे, बाकी डिपेंड करता है कितनी वैरायटी जीके में पड़ी हुई, ठीक है? तो जीके वॉज नॉट इजी, क्योंकि उससे मॉडरेट टू डिफिकल्ट. लास्ट ईयर से थोड़ी सी इजी मान सकते हो आप, क्योंकि लास्ट ईयर ज्यादा टफ है, ऐसा बच्चे ने बोला. तो गाइस, कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर आई गेस कट ऑफ वाज 67 मार्क्स. इस ईयर मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है कि 70 ग्राम टच कर जाए कट ऑफ, ठीक है? ये मेरा मानना भी है. बाकी अभी और रिव्यूज आएंगे, उससे पता चलेगा कि क्या कैसा गया. बहुत कई बार टॉपर्स जो होते हैं, जो तेज होते हैं, वो बोलते हैं तो अलग चीज बोलते हैं, बट जनरल को लेके चलना है, मतलब सबको लेके चलना होता है. बट स्टिल ओवरऑल पेपर काफी लोग बोल रहे हैं ठीक आया था, क्योंकि क्वांट्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ठीक थे और जीके थोड़ी लास्ट से ठीक थी, इसलिए तो मुझे लगता है 70 के अराउंड जा सकता है कट ऑफ, ठीक है? बाकी कोई बात नहीं, जो हो चुका हो चुका. अब गए थोड़ा रेस्ट करके आप सीमैट की तैयारी करो. सीमैट के पास अभी आपके पास 1.5 महीने हैं. सीमैट की तैयारी करो, जेबीएम एस एमएचआरडी की तैयारी करो, पीजीडीपीए है, सीईटी है, काफी एग्जाम्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हम लोग का सीमैट का डेडिकेटेड कोर्स 10th फेब से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, कोई लॉस नहीं. प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल हो गई है, प्रॉपर कोर्स है, डिटेल मैनर सब कुछ कराया जाता है. जैसी वैरायटी बोली गई वैसे करो तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा. अभी टेस्ट के लिए काफी सारे रिव्यूज थे, हम लोग के क्लास में ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कराई गई थी, मेनली कॉर्न सलार वीएम, तो कुछ नया मिला नहीं बच्चों को, ठीक है? तो वो चीज है, काफी अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं, ठीक है? और सीमेंट अभी हम लोग सब वैरायटी करते हैं. अच्छी बात सीमेंट की क्या, सीमेंट में टाइम बहुत मिलता है, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है, तो आराम से कर सकते हैं. ये 2 ट्रिपल 9 का कोर्स है, फिर जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन. बस मेरी बात मानो, जैसा बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ो, कोई भी चीज छोड़ो मत, आराम से निकलेगा एकदम. एक स्ट्रक्चरल कंटेंट है, वही मैटर करता है. टाइम, घंटे, महीने, साल कुछ मैटर नहीं करते, मैटर करता है कंटेंट, कितनी वैरायटी करते जा रहे हो, कितना तरह से आप रेडी हो, ठीक है? वही चीज मैटर. बाकी का ऐसे लास्ट ईयर रिजल्ट है सीईटी के, सीमैट रिजल्ट्स, रमीश 99.97, 250 बच्चों से ज्यादा का 97+ था, 97 को रिजल्ट ही लिया, ठीक है? ये टेस्ट के लास्ट ईयर रिजल्ट, इस बार भी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, काफी अच्छे रिव्यूज हैं. काफी स्टूडेंट ने 80+ भी अटेंड किए हैं जेन, काफी लोगों ने 90+ भी अटेंड किए हैं जेन. अब देखो कितना होता है, बट डेफिनेटली कॉल तो आई जानी चाहिए, ठीक है? जिन्होंने 80+ किए हैं.
सो गाइस ये हम लोग का सीमेंट का बैच बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो लॉस नहीं उसमें आपको कुछ, 10 अप्रैल के पहले मेरे ख्याल से सब नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हम लोग का MBA CET का भी डेडिकेटेड बैच है, वो भी हम लोग का स्टार्ट हुआ था अभी 10 अप्रैल, उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये गाइस आपको रिव्यूज देख सकते हैं हम लोगों के। गाइस हम लोग के MBA CET के मॉक्स भी लाइव हो गए, आप देख सकते हैं मॉक्स का लेवल, मॉक्स के रिव्यूज। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नंबर मेरे यहां पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और mockzone.in/CMAT में जाओगे तो आपको CMAT का कोर्स दिख जाएगा। अभी हम लोग के CMAT के मॉक्स भी लाइव हो गए, वेबसाइट में नहीं आए, 10 मॉक्स 599 CMAT के मॉक्स, काफी रेलिवेंट और अपडेटेड है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।